स्टूडेंट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. अब इसके बाद ना जो आएगा मिक्स आएगा, जो अब तक पढ़ा वो सब कुछ बीच में आएगा. टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. नाउ द फर्स्ट आइडेंटिटी आपको तीन याद करनी है टेंथ में. देखो देयर आर मल्टीपल, देयर आर मेनी बेसिकली एंड यू कैन क्रिएट एज मेनी एज पॉसिबल, बट तीन आपने टिप्स पे याद करनी है और तीनों को मैं अभी प्रूफ भी कराने वाला हूं. पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. हम ये प्रूफ कर चुके हैं हमारे पहले टॉपिक में. ठीक है, कोई एक क्वेश्चन था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू. मैं फिर बोल रहा हूं देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट क्लास टेंथ के सिलेबस में तीन ही. ठीक है, एन नंबर ऑफ कैसे बनती है, वो किसी की टांग किधर घुमा दो, किसी की किधर घुमा दो, क्वेश्चन तैयार हो जाता है. जैसे कि जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन वो कभी डायरेक्ट नहीं आएगा. तो वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे 1 माइनस. थोड़ा और बड़े लेवल पे अगर सोचो, थोड़ा और बड़े लेवल पे सोचो तो आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कैच किया मेरे पॉइंट को कि नहीं किया, बोलो. नहीं किया बेटा, स्क्वायर था इधर साइन का, जहां स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा. स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा. अच्छा अब जल्दी से अगला पॉइंट इसी के अंदर, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस इधर रख दो वो उधर जाएगा. और बड़े लेवल पे सोच लो, अगर अकेला कॉस चाहिए, कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, कॉस थीटा इज. पहली आइडेंटिटी का हमने एक्सरे कर दिया कि नहीं कर दिया. अगली प्रॉपर्टी या अगली आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. मैं अभी इसका प्रूफ भी कराने वाला हूं, 2 मिनट में प्रूफ भी कराने वाला हूं. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट. अब जो दुनिया ना शैतान दुनिया है, वो उसको कहां तक सोचती है वो देखो. वो सोचती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये टेन इधर प्लस हो रहा था इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. समझे. और उनसे भी छात्र लोग कैसे सोचते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा इसको तोड़ रहा हूं, इसको सीकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस टेन स्क्वायर थीटा. समझ गए कि नहीं समझ गए. देखो आपने इसको याद रखना है, ये मैं बता रहा हूं अगली पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती थी. अच्छा कोई सोचने वाले ऐसे भी सोच जाते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज गलत. यहां से कॉम्पिटिशन शुरुआत करता है. देख इस पे बोल, सीकेंट को उधर लेके गया माइनस हुआ और प्लस वाले इधर लेके आए तो क्या हुआ, कैच किया पॉइंट को भी किया कि नहीं किया, बोलो. अच्छा अगर ऐसे रूट में और खोलना होता टेन थीटा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट थीटा, टेन इधर रखो ये इधर के माइनस हुआ तो क्या हुआ, सीकेंट स्क्वायर थीटा सारे का. समझे कि नहीं समझे, सारी चीजें यहीं से निकली. अब आ जाओ लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट आइडेंटिटी. सर हाँ जी भाई साहब. सर माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा. बिल्कुल ये तुमने लिखा ही हो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा. अब आगे आ जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ऐसे ही खोल सकते हो दोबारा से, इसको इधर ले आओ तो पहली प्रॉपर्टी क्या बनी, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. अच्छा इनके उल्टे लिख दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज. अच्छा इधर से ले आओ, कोसीकेंट थीटा का निकालना हो इसकी टर्म्स में तो क्या लिखोगे, कोसीकेंट थीटा इज रूट ऑफ 1 प्लस. अगर कॉट निकालना हो, कॉट इधर है ए इधर के माइनस हुआ, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 सारे का. समझे कि नहीं समझे,
मैं फिर कह रहा हूं, ये ब्लू में जो लिखा ना, ब्लू में जो लिखा है भूल जाना है, वो प्रैक्टिस के साथ साथ सीखोगे। आपने किसको याद रखना है? ब्लैक वालों, सही है। पहले काले बाप दो, नीले बाप तो सर से धुल जाएंगे, पहले काले वाले को याद करो। ये टिप्स पे होने चाहिए आपके। अब आते हैं इनका प्रूफ पे। प्रूफ दो मिनट का, इससे भी कम। सुनना, मैंने इनको ही प्रूफ करना है तीनों। सुनना, मैंने कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लिया, क्या लिया? कोई भी युग्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल, कोई भी जो आती है देखो, क्या बोल रहे? 2, 3, 5 होती है, 3, 4, 5 नहीं आज थ्री फोर फाइव सही है। सबसे आसानी होती है बच्चों में 3, 4, 5। अब मैं प्रूफ करता हूँ इसका। साइन क्या होता है भाई साहब? अच्छा ये ठीक है मेरा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैं पहली प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज उसका प्लस कॉस कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 16 ओवर व्हाट इज 9 का 16? 9 का 16 1। तो मेरे को एक बार 9 लाख रुपया दे, फिर 16 लाख दे, मेरे से 1 लाख ले। ठीक है 9 का 16 27। भाई 9 का 16 25, तो क्या बना 25 ओवर 1। प्रूफ हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज अब प्रूफ नंबर टू पे आ रहा हूँ। क्या 1 + 1 + LHS की बात कर रहा हूँ, LHS की, सही है। 1 + 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन? 3। बेस कौन? 4। उनका क्या आया? स्क्वायर। 1 + 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और एलसीएम लिया 16 + 9 25 ओवर। समझे कि नहीं समझे? अब आ जाओ आरएचएस में। सीक्रेट क्या है? उसने कहा सीक्रेट स्क्वायर थीटा। क्या कहा? सीक्रेट क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस होता है बेस ओवर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर इज इक्वल टू 5/4 का 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सेम आ गए। तो ये प्रूफ भी हो गया। तीसरा PDYS, PDYS समझते हो? प्लीज डू योर सेल्फ। समझ गया कि नहीं? जल्दी से नोट करो। कल से जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा अभी तक, जितने रूल्स, मैं दोबारा कहता हूँ, सारी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 याद करके आनी है। आगे भी की हुई है, दोबारा करके आनी है। हर्षित ने क्लेम कर दिया, हो गई। हर्षित सीकेंड 30 ले, 2 मिनट सीकेंड 30 जल्दी सोच लिया गलत है। 2/√3 सीकेंड बोला है, मैंने को सीकेंड नहीं बोला। सीकेंड होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस सेटी होता है √3/2। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे, गलतियां कर करके सीखोगे। आगे ये सारे पता आने के बाद आपको सारे कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन का रिलेशन किसके पास? कॉस। टैन का? कॉट। सीकेंड का? अब जो रेशियोज में साइन का रिलेशन सीकेंड कॉस का टैन का ऑर्डर याद है? ऑर्डर साइन कॉस टैन कोसेकेंड सीकेंड कॉस। दैट्स इट फॉर टुडे। कल से मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। मैं ब्लू पेन से सिर्फ आइडेंटिटीज या शॉर्टकट लिखा करूंगा, बाकी सारा आपने समझ लिया।